15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। अभी पीडीपी के ऑफिस में है और यहाँ पर किस तरह से जो है वो तिरंगा फहराया जा रहा है और ये तस्वीरें जो है वो पीडीपी का ऑफिस है। मैं आपको बता दूं कि वहीं से जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहाँ पर भारत माता की जय घोष के साथ जो है यहाँ पर जो है वो तिरंगा झंडा जो है वो फहराया जा रहा है और तमाम पीडीपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर ही मौजूद है। और ये तस्वीरें जो है ये हम आपको जम्मू के पीडीपी ऑफिस से दिखा रहे हैं जहाँ पर जम्मू का तो जहाँ पर जो है वो कुछ ही देर में जो है यहाँ पर ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं ये आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर पीडीपी कार्यालय में किस तरह से यहाँ पर जो है वो ध्वजारोहण किया जा रहा है। और अगर बात करते हैं तो वही पीडीपी का कार्यालय है जो काफी चर्चाओं और सुर्खियों में रहता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है अभी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जो है वो हो चुकी है और जनमन गण जो है वो गाकर तस्वीरें जो हैं ये आप पीडीपी कार्यालय से देख रहे थे बिल्कुल जम्मू बुलेटिन के माध्यम से। ये सुबह 9 बजे की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और देखते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है वो क्या कहना है इस पर। मैडम जी अंदर अंदर तो और ये तस्वीरें देख रहे हैं तमाम नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये पीडीपी के नेता जो है उन्होंने ध्वजारोहण तो कर दिया है लेकिन ये तस्वीरें जो है आप जम्मू बुलेटिन के माध्यम से देख रहे हैं। और ये सामने उनसे सर जो है आज के दिन पर क्या कहेंगे प्रवेश लोफा जी? आज 75वें दिवस पे हम पूरे भारतवर्ष के और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और 75वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं और सबको शुभकामनाएं दें और आपसी भाईचारे को हम सब लोग कायम रखें, यही हमारा संदेश है, यही हमारा पैगाम है। जय हिंद। आज जमहूरी आजादी पर पूरे हिंदुस्तान को हम मुबारकबाद करते हैं और खास करके जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों को हम मुबारक करते हैं। और ये जो हमारे लोगों ने शहीदियां देके हिंदुस्तान को आजाद करवाया था उनका जो शहीदी जो आजादी है इस आजादी का रिंग मानना है हम सब लोगों ने और आपस में भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद आपस में इकट्ठा रखना है। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको कि इस वक्त ऐसा मौका आ गया हुआ है कि जो हम सब इकट्ठे होने की जरूरत है और खास करके जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिले और लोगों के काम हो और लोगों को खुशहाली आए और लोगों खास करके नौजवानों को काम मिले जॉब मिले और हमारे में खुशहाली आए। और मैं आज के दिन पे सारे हिंदुस्तान के लोगों को और खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद करता हूँ। आज के दिन में इतना ही शुक्रिया। जम्मू के पीडीपी कार्यालय में भी जो तिरंगा है उसे फहराया गया है और आप देख रहे तिरंगे की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू का पीडीपी कार्यालय है जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है लेकिन यहाँ पर भी जितने भी जम्मू के पीडीपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर जो है चुनी हुई सरकार का होना बहुत जरूरी है और चुनी हुई सरकार होगी तभी लोगों के मसले जो है हल हो सकते हैं। खैर छोड़िए, आज 15 अगस्त का दिन है, आज भारत की आजादी का दिन है, उसे आप किस तरह से अपने घर पर मना रहे हैं वो भी आप बताइए और किस तरह से जो है वो भारत माता की जय के लिए जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे और किस अगली भी जगहों से जो है जम्मू में क्या क्या हो रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज बहुत अहम दिन है और जम्मू में सुबह से जो है वो बारिश भी हो रही है और क्या क्या है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्मू।